बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज हमारा लेक्चर नंबर है 13 ऑन लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और जो आज का टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी विद इट्स बेसिक करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम एज यूजल हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये हैं टू नो द रैशनल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स बेसिक करैक्टरिस्टिक्स। एक ना सिर्फ हम इसकी कंपनी की जो कॉन्सेप्ट है उसका रैशनल देखेंगे कि वो क्या है, और दूसरा उसके करैक्टरिस्टिक्स को भी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन क्या होते हैं। पर्सन दो किस्म के हैं, एक नेचुरल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो नेचुरल पर्सन है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, और अगर हम ह्यूमन बींग्स की नेचुरल पर्सन की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो हम कहते हैं कि कैन डू ऑल लीगल थिंग्स, उसका नाम होता है, उसको यूनियन काउंसिल में उसका नाम को रजिस्टर कराया जाता है, नादरा में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, पासपोर्ट ऑफिस में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो नेचुरल पर्सन कर सकता है, वो लिटिगेशन कर सकता है, वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता है, इसी तरह लाइबिलिटीज़ को ओन कर सकता है, उसकी सिक्स सेंसेस होती हैं, उसकी डेथ होती है। तो ये बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन बींग्स के, नेचुरल पर्सनस के, वो हैं। अब हम आते हैं के आर्टिफिशियल पर्सन की तरफ। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो जैसे कंपनी है और एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एलएलपी को हम बाद में किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जो कंपनी है, नंबर वन कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन है, जो अभी हम दो पर्सन की हमने बात की थी। और जो लीगल पर्सन है वो तमाम लीगल जो है ना वो थिंग्स कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, स्वाइज के कि नेचुरल पर्सन की सिक्स सेंसेस होती हैं, कंपनी की वो सिक्स सेंसेस नहीं होती। इवन देन जो आर्टिफिशियल पर्सन है या जो लीगल पर्सन है उसकी जो सेंसेस हैं उसके मैनेजर्स जो हैं उनकी उसकी बिहाफ पे वो यूजेस सेंसेस यूज़ करते हैं, मसलन लिसनिंग, स्पीकिंग एट्सट्रा, ये जो सेंस है वो उनके बिहाफ पे लिसन करते हैं, उसके बिहाफ पे स्पीक करते हैं। तो कुछ सेंसेस जो है ना वो, ये जो हम नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन के दरमियान हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह उनकी आपस में जो है ना वो सिमिलैरिटी किस किस हद तक है। यहाँ जस्ट हम एक जनरल सी सिमिलैरिटी देख रहे हैं कि उसकी जो है ना वो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन की या कंपनी की। इसी तरह जैसे उसकी डेथ होती है नेचुरल पर्सन की, इसी तरह जो आर्टिफिशियल पर्सन है या कंपनी है उसकी भी डेथ होती है, जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब उसकी रैशनल क्या कंपनी की। अच्छा, रैशनल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इश्यूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स थे बिज़नेस करने में लोगों में, कम्युनिटी में, जिसकी वजह से कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। तो जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस होता है वो तो ज़ाहिर है सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें आपको किसी के साथ कोई ना इशू है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई मैनेजमेंट का इशू है, ना कोई शेयरिंग का इशू है, तो ना किसी कंसेंसस का इशू है, तो वहाँ इशू नहीं होता। इशू कब बनता है? जब लोग मिल के बिज़नेस करते हैं, इक्विटी आपस में शेयर करते हैं, तो उस सूरत में इश्यूज बनते हैं। तो जो पार्टनरशिप है इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जब बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। मिसाल के तौर पे किस किस्म के इश्यू आते हैं? सबसे पहला जो है उसकी जो पार्टनरशिप का इशू है वो क्या, वो एक लीगल एंटिटी नहीं है। जो कुछ भी होता है वो पार्टनरशिप के अपने जो उसके पार्टनर्स हैं उनके नाम पे होता है, वो सारी लाइबिलिटी उनके नाम पे क्रिएट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स उसके नाम पे होता है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस पार्टनरशिप का नाम यूज़ होता है। बट इन द स्ट्रिक्ट लीगल सेंस जो भी कोई एक्ट है वो पार्टनर्स का अपना पर्सनल एक्ट है। और उसके अलावा पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम होता है कि किसी एक पार्टनर्स की डेथ से जो है ना वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है। और अगर कुछ
ज़्यादा पार्टनर्स की डेथ हो जाए, सिर्फ एक बचे तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकती है। इसी तरह या सब की डेथ होगी तब भी कंपलसरी डिसोल्यूशन है, किसी एक के इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप जो है ना वो डिसॉल्व हो जाती है। और इसी तरह अगर किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया और उसको पार्टनर बना दिया तो उससे भी डिसोल्यूशन हो जाती है। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ना वो पार्टनरशिप में होती है, बट पार्टनरशिप की जो कंटिन्यूटी है वो स्टेक पे होती है। मतलब किसी की डेथ हो गई, पार्टनरशिप ख़त्म, किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनरशिप ख़त्म, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनरशिप ख़त्म। तो ये जो कंटिन्यूटी है ना वो स्टेक पे रहती है, किसी टाइम भी पार्टनरशिप जो है ना वो डिसॉल्व हो जाती है। इसी तरह पार्टनर्स के, तमाम पार्टनर्स के जो है ना वो बड़े एक्सटेंसिव किस्म के मैनेजमेंट राइट्स होते हैं बाई डिफॉल्ट। तो उसका मतलब है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी कंसेंसस हर मैटर में वो ज़रूरी है, अनलेस कि वो खुद जो है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो उसको फॉरगो कर दे, अदरवाइज बाई डिफॉल्ट जो है ना वो सबकी पार्टनर्स की मैनेजमेंट के राइट हैं। और इसी वजह से सबके इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से कंसेंसस के अक्सर इश्यूज आते हैं। कोई ना कोई पार्टनर जो है ना वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, तो ऐसे करने, फलां करने, तो काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं जिसमें कंसेंसस ज़रूरी होता है। और कंसेंसस जो है ना वैसे भी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपस में एक पेज पे होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप में आते हैं। एजेंसी की वजह से जो है ना वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि हर पार्टनर जो है ना वो दूसरे पार्टनर्स को जो है ना वो बाइंड कर सकता है विद हिज एक्ट, प्रोवाइडेड ही एक्ट्स विद हिज अथॉरिटी। लेकिन उसकी अथॉरिटी है, ज़ाहर है, मैनेजमेंट के राइट है जैसे हमने कहा, तो उसकी अथॉरिटी होती है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है, तो वो लाइबिलिटी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और लाइबिलिटी जैसे हमने पढ़ा, डिस्कस किया है कि वो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ना वो ट्रांसफ़र होगी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ भी लॉ जो है वो कहता है कि आप 20 से ज़्यादा लोग जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। और इसी तरह इस यही वजह है कि उसको एक्सपैंड बिज़नेस को करना मुश्किल हो जाता है, इक्विटी जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद पार्टनर्स जो के नेचुरल पर्सनस होते हैं, तो बर्थ और डेथ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, अगेन कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज एट स्टेक। कि आप किसी के डेथ को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इसी वजह से जो है ना वो पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी कंटिन्यूटी में। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इन इश्यूज़ को जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये आर्टिफिशियल पर्सन की क्रिएशन से, जनरेशन से, ये हाइपोथेटिकली हम एक पर्सन जनरेट करते हैं और हम कहते हैं कि ये लीगली ये तमाम इश्यूज़ जो है ना उससे रिजॉल्व होते हैं। और उसमें तकरीबन नेचुरल पर्सन की वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन में होती हैं, और वो जो उसकी जो क्रिएशन है, जो उसकी डेथ है, वो आपके कंट्रोल में, जब आप चाहें कंपनी क्रिएट करें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, और जब आप चाहें उसको डिसॉल्व करें। तो पार्टनरशिप में नेचुरल डेथ होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें नेचुरल डेथ नहीं है पार्टनरशिप की, इसकी लीगल डेथ है, लीगल क्रिएशन है, एक हाइपोथेटिकल पर्सन है। तो ये है उसकी रैशनल कि हम वो तमाम इश्यूज इससे रिजॉल्व कर लेते हैं जो नेचुरल पर्सन के बिजनेस करने की वजह से इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो इसमें क्या होता है कि तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंपनी के नेम पे होती हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी तरह हम मैनेजमेंट के कंट्रोल करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक वे में, तो वो चलाते हैं। तो अब इसमें जो है ना वो मैनेजमेंट का या एजेंसी का प्रॉब्लम नहीं होता, और लाइबिलिटी के ट्रांसफ़र होने का इशू नहीं होता। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो जो है ना वो उसमें रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो आप, चूँकि इसमें जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप में 20 की लिमिट है, तो इसमें लिमिट नहीं है। कुछ लिमिट है प्राइवेट कंपनी की 50% तक, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती। तो आप जितने मर्जी इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करें, इक्विटी जनरेट करें और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें। इसी तरह जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो थ्रेट होती है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को, उसको कंट्रोल किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी से, क्योंकि सारे जो एक्ट हैं वो कंपनी के नाम पे किए जाते हैं, तो इसलिए जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की है।
शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उतनी ही है जितनी उन्होंने कंपनी को जो है ना वो शेयर दे दिया अपना, या जो उनकी बिजनेस में शेयर है उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं है, तो वो लाइबिलिटी पार्टनर्स की हद तक वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसी तरह एजेंसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाता है, छोटे ग्रुप को आप पावर दे देते हैं। अब जो शेयर होल्डर है अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो उसका कोई एक्ट जो है ना वो डायरेक्टर को या कंपनी को बाइंड नहीं करता, कोई एजेंसी जो है ना वो ना होने की वजह से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इसी तरह ना डायरेक्टर जो है कोई एक्ट करे और उस एक्ट से शेयर होल्डर पे कोई लाइबिलिटी डायरेक्ट क्रिएट नहीं होगी, डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एजेंट हैं, उनके किए हुए काम कंपनी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो इस तरह जो है ना वो एजेंसी को कंट्रोल किया गया है। अच्छा, जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस का उसको भी हमने इस तरह कहा कि वो सॉल्व होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो अगर अपना ट्रांसफ़र इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहता है वो कर सकता है, किसी इन्वेस्टर की डेथ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के इंसॉल्वेंट होने से, क्योंकि कंपनी अपनी जगह कायम रहेगी, शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, इन होंगे आउट होंगे, तो वो जो लीगल एंटिटी है, एक पर्सन है, लीगल पर्सन है, तो वो अपने नाम पे तमाम एक्ट करेगा और बाकी लोग जो हैं वो इन आउट हो सकते हैं, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई चला जाए, तो उसे कंपनी की कंटिन्यूटी और बिज़नेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह जो एवरी एक्ट इज़ डन बाय द मैनेजर इन द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी मैनेजर हैं वो कंपनी के नाम पे एक्ट करेंगे और कंपनी जो है वो जो भी कंपनी के नाम पे एक्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होगी, और लोग जो है ना वो मनी इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड लेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके जो भी राइट्स हैं, इंटरवेंशन के राइट है या वोटिंग राइट्स हैं, वो सारे अपने राइट्स इंजॉय करेंगे। कंपनी अपनी जगह अपने जो है ना वो बिज़नेस करती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि फर्दर जो रैशनल है, कंपनी इज़ इन फैक्ट कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स, तो कंपनी का जो जो रैशनल है वो कलेक्शन ऑफ कैपिटल है, तो उसमें ज़ाहिर है लीगल हाइपोथेटिकल पर्सन का कॉन्सेप्ट है जो फिज़िकली हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, सिर्फ बुक्स में लिखा होता है कि जी ये कंपनी बन गई, तो वो कैपिटल जो है ना वो असल में उनका जो है ना वो कलेक्शन है, और जो इन्वेस्टर्स हैं दे चेंज देयर हैंड्स फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन बाय सेलिंग देयर इंटरेस्ट, द कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ एंडेड बाय लॉ। तो ये कलेक्शन ऑफ कैपिटल हो गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन जो पार्टनरशिप है डैट इज़ कलेक्शन ऑफ पर्सनस, और जो कंपनी है उसको आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैपिटल, लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे चले जाएंगे इन्जॉय करेंगे डिविडेंड लेंगे अपना शेयर इंटरेस्ट जो है ना वो सेल करेंगे, और इसी तरह जो है ना वो चलता रहेगा कंपनी, लॉ से ही उसकी क्रिएशन होती है और लॉ से ही उसकी डिसोल्यूशन होती है। अब हम ये था उसका रैशनल, अब हम स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कोई कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है। कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसमें कंपनी को ऐसे डिफाइन किया, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट द कंपनी लॉ, दिस एक्ट मीन्स अ कंपनीज एक्ट 2017, और कंपनी लॉ मीन्स द प्रीवियस कंपनी लॉ है, मतलब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, कंपनीज एक्ट 1913 है, इस तरह के जो कंपनी लॉ है अगर उसमें जो तरीकाकार बताया गया अगर वो तरीका फॉलो किया गया है तो कंपनी है। इसका मतलब है कि कंपनी करेक्टरिस्टिक से पहचानी जाती है और उसकी ज़ाहिर है कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस या उसकी पहचान नहीं है, तो उसमें डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि इसमें दिस डेफिनेशन डज नॉट गिव एनी क्लू व्हाट इज मेंट बाय अ कंपनी, कंपनी इज नोन बाय इट्स करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तब हमें पता चलेगा कंपनी क्या है। अच्छा, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हमने एक लिस्ट बना ली है, पहला है लीगल पर्सनैलिटी, दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा है ट्रांसफरेबल शेयर्स हैं, और चौथा करेक्टरिस्टिक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट अंडर अबाउट स्ट्रक्चर इन्वेस्टर ओनरशिप, तो ये पांच करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंपनी में होते हैं। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीगल पर्सनैलिटी, लीगल पर्सनैलिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हेरेडिटरी डैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये हम अभी रैशनल में डिस्कस कर चुके हैं कि जी पर्सनैलिटी, लीगल पर्सनैलिटी मीन्स के पर्सन है जो सेपरेट है फ्रॉम द नेचुरल पर्सनस
हु आर द मेंबर्स ऑफ दैट पार्टनर दैट कंपनी, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक सेपरेट है और सेपरेशन में ही वो सू कर सकती है, वो उसको सू किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। ये जो अभी हमने पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो लीगल पर्सन की तरह ही, नेचुरल पर्सन की तरह ही ये लीगल पर्सन है और वही लीगल पर्सनैलिटी है, उसी को हम कंपनी कहते हैं। तो ये जो सारी पावर्स हैं कि वो पावर डेलीगेट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और वो तमाम एक्ट्स कर सकती हैं, और डायरेक्टर जो हैं उसके बिहाफ पे सारे काम करते हैं, और कंपनी जो है ना उन तमाम एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिवाय उसके कि अगर डायरेक्टर अपनी पावर से एक्सीड करते हैं तो फिर वो डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी है। इस जो लीगल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम ना एंटिटी शील्डिंग भी कहते हैं। एंटिटी शील्डिंग क्या है कि वो उसको शील्ड कर रही है, उसको बचा रही है। किसको बचा रही है? कि जो जो क्रेडिटर्स हैं, ओनर्स के क्रेडिटर, मतलब एक बंदा शेयर होल्डर है और उसके क्रेडिटर्स हैं, तो वो उसकी वजह से कंपनी की जो पर्सनैलिटी है उस तक उसकी क्रेडिटर की एक्सेस नहीं है। उसकी एक्सेस सिर्फ उतनी है जितना उसका शेयर है, इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं कर हो सकती। तो कंपनी को लीगल पर्सनैलिटी होने की वजह से उसको बचाया जा सकता है कि जो क्रेडिटर हैं शेयर होल्डर्स के, मेंबर्स के, उनकी एक्सेस नहीं है कि वो कंपनी के एसेट्स को बेच के अपनी जो है ना वो लाइबिलिटी पूरी करें। पार्टनरशिप में ऐसे नहीं है। पार्टनरशिप में यह है कि अगर जो है ना वो जो भी ओनर्स हैं उनके क्रेडिटर, वो सारी पार्टनरशिप का बिजनेस जो है ना वो सेल आउट करके, उसे वाइंड अप करके अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो कंपनी में ये एक एंटिटी शील्डिंग है उस बिजनेस के लिए। तो क्रेडिटर के जो हैं ओनर्स के जो क्रेडिटर हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिवाय उसके कि जितना उस डेटर का शेयर है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट वही है कि द लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी होल्डर इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी आर गारंटी गिवन बाय देम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। तो लाइबिलिटी क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी ये है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपकी लाइबिलिटी उस तक हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। कल को अगर कंपनी में लॉस हो गया, लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उस तक जो है ना वो क्रेडिटर की एक्सेस नहीं होगी। कंपनी की लाइबिलिटी पूरी करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स को सेल आउट नहीं किया जा सकता। कुछ होता है जैसे एक पार्ट, जैसे अभी इसमें लिखा गारंटी गिवन बाय देम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। ये एक भी कंसेप्ट है, इसको ज़रा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज एक चैरिटेबल कंपनी है, तो उस कंपनी में डेफिनेटली कैपिटल नहीं होगा। तो अब आपने तो अगर कंपनी के मेंबर हैं तो फिर आपकी लाइबिलिटी तो होती है ना, जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, और वो बिजनेस नहीं करती चैरिटेबल कंपनी, उसके में नॉर्मली कैपिटल नहीं होता, और वो तो ऐसी सूरत में अगर कल को कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो फिर मेंबर से ना गारंटी ले लेते हैं। वो कहता जी मैं 10,000 तक गारंटी देता हूँ कि अगर इस कंपनी को वाइंड अप करते हुए से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो मैं 10,000 तक पे करूँगा। तो इस तरह हर मेंबर की एक गारंटी होती है, वो पे नहीं करते, वो सिर्फ उसी सूरत में पे करते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हो और लाइबिलिटी हो जाए तो उस हद तक जो लाइबिलिटी उसने गारंटी दी है उतनी उससे पेमेंट ली जाएगी। तो डैट इज़ ने कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। तो ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि इसको ओनर शील्डिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि उसकी कंपनी की शील्डिंग थी, इसी तरह ये ओनर शील्डिंग है। ये कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो ओनर्स की शील्डिंग है, कि मींस के ओनर वो बचाती है कि अगर कंपनी की एसेट्स जो है ना वो इंक्रीज हो गई हैं, उसकी एसेट्स से ज़्यादा लाइबिलिटी बन गई है, तो ओनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बची रहेगी। तो ये ओनर्स के लिए शील्डिंग का काम करती है, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं ट्रांसफरेबल शेयर्स। पार्टनरशिप में हमने जैसे देखा था कि ट्रांसफ़र जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक होती है, बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी जो है ना पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है। तो कंपनी में इस चीज़ को, इसका रिजॉल्व किया गया कि इसमें शेयर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, शेयर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट सेल आउट करते हैं और चले जाते हैं। बिजनेस जो है ना इंटरप्शन नहीं होती, उसकी लिक्विडेशन नहीं होती। तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का कि जिसमें पार्टनरशिप से जो एडवांटेज है कि इसमें शेयर ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। हाँ, कुछ जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। वो ये कह सकता है कि जी आप ए को शेयर ना बेचें, बी को बेच दें, या
एक होना बेचें, हमें बेच दें मार्केट वैल्यू पे, तो इस तरह की वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि आप अपने शेयर नहीं सेल आउट कर सकते। तो वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक में ये भी ऑप्शन नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, आप बगैर उनसे पूछे जिसको मर्जी अपने शेयर सेल आउट कर दें, तो फ्रीली शेयर जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब आते हैं जी डेलीगेटेड मैनेजमेंट विद बोर्ड स्ट्रक्चर का। पार्टनरशिप में हमने कहा था कि जी हर बंदे का राइट है, वो हर बंदा जो है ना वो मैनेजमेंट में उसका बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो पार्टिसिपेशन है, उसमें कंसेंसस के इशू होते हैं, डिसीजन मेकिंग के इशू होते हैं इस तरह के। तो कंपनी में एक डेमोक्रेटिक वे में एक डेलीगेटेड मैनेजमेंट बोर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कुछ लोग 2 3 4 5 7 जितने आप फिजिबल समझें उतने लोगों को पावर डेलीगेट कर दी जाती है। डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग होती है, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं और उनके बिहाफ पे जो है ना वो काम करते हैं, और वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक होता है कंपनी में। इसके बाद हम आते हैं जो लास्ट है वो इन्वेस्टर ओनरशिप। इसमें दो एस्पेक्ट है इन्वेस्टर ओनरशिप के। इसमें नंबर वन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका वो मैनेजमेंट में उनका राइट है तो पार्टिसिपेट करें, और दूसरा जो कंपनी की जो नेट अर्निंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। अब ये जो राइट इन टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और राइट टू पार्टिसिपेट इन द नेट अर्निंग ऑफ द कॉरपोरेशन है, इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले हम कहते हैं मैनेजमेंट में राइट का क्या मतलब है। नंबर वन ये कि वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, हमने कहा ना डेमोक्रेटिक वे में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, तो आपका भी इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर का ये राइट है कि वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में पार्टिसिपेट करें। इसी तरह हर इन्वेस्टर का ये राइट है कि वो वोटिंग के ज़रिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, वो बेशक अपने आप को वोट दे दे, किसी और को वोट दे दे, ये उसका राइट है। इसी तरह जो कंपनी के जो मेजर डिसीजन मेकिंग है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करें। तो मैनेजमेंट को जो है ना वो रीस्ट्रक्चर किया गया है एज़ कम्पेयर टू द पार्टनरशिप, जहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं यहाँ पे इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। मेजर डिसीजन में फैसला करते हैं जो है डायरेक्टर्स, सॉरी शेयर होल्डर, और मगर बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बिजनेस का नाम चेंज करना है, बिजनेस चेंज करना है, तो ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें जो है ना वो तमाम इन्वेस्टर जो है, तमाम शेयर होल्डर हैं उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो अब हम आते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द नेट अर्निंग इन द कॉरपोरेशन मीन्स नंबर वन टू शेयर इन द प्रॉफिट, नंबर टू टू क्लेम रेजिडुअल अर्निंग्स। शेयर इन द प्रॉफिट जो डिविडेंड कंपनी जो है ना वो दे रही है ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ दी कंपनी, कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, तो वो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो एक तो ये उसका प्रॉफिट में शेयरिंग है, और दूसरा ये है कि कंपनी जब लिक्विडेट हो जाती है तो उस सूरत में भी जो है ना वो उसको जो भी क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो कुछ बचता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे नेचुरल पर्सन में किसी की डेथ होती है तो अपने कर्जे वगैरह दे के और बाकी जो भी बचता है वो उसके लीगल हेयर्स को मिलता है। तो ये है टू क्लेम रेजिडुअल अर्निंग, जो कुछ बच जाता है कंपनी का लिक्विडेशन का टाइम भी, वो भी इन्वेस्टर का राइट है। अब हम आते हैं एक्सेप्शन, द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट मे बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन द कंपनी इशू शेयर विदाउट वोटिंग राइट्स। मसलन जो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट इस सूरत में किया जा सकता है, कंपनी बाज का शेयर इशू करती है, वो कहती है कि आप ना वोटिंग राइट नहीं होगा आपके, आपको डिविडेंड का ज़्यादा राइट दे देते हैं, इस तरह का कोई जो है ना वो सीन में शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेशन है वो थ्रू चूँकि वोटिंग होती है तो वो जो मैनेजमेंट के राइट हैं उसमें वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, सॉरी जब शेयर विदाउट वोटिंग इशू किए जाते हैं। इसी तरह जो राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मे बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म टू कैरी ऑन चैरिटी और कोऑपरेटिव ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई कंपनी बनाई ही चैरिटेबल पर्पस के लिए है, कोऑपरेटिव ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो उसमें बिजनेस नहीं होता, उस पर अर्निंग नहीं होती, तो ज़ाहिर है आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स यही है चैरिटेबल सॉरी सॉरी
जो चैरिटेबल कंपनी है उसका बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, तो ये भी एक जो फिर एक्सेप्शन आ गया उस रूल का कि जिसमें आपको प्रॉफिट मेयरिंग नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगेन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स करें, टेक्स्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।